नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि AZR टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, AZR टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और AZR टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि AZR टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। AZR टैबलेट एक इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग क्लास की दवा है जो इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाती है। हमारे शरीर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि हमारा शरीर ट्रांसप्लांट किए गए ऑर्गन को रिजेक्ट कर दे। इसलिए ऑर्गन रिजेक्शन से बचने के लिए AZR टैबलेट दी जाती है। AZR टैबलेट शरीर के इम्यून सिस्टम को बहुत ही कमजोर कर देती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ट्रांसप्लांट किए गए ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं कर पाता है और ट्रांसप्लांट किया गया नया ऑर्गन आसानी से काम कर पाता है। इसके अलावा रूमेटोइड अर्थराइटिस होने पर भी AZR टैबलेट का उपयोग किया जाता है। AZR एक ब्रांड नेम है। AZR टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन एजाथायोप्रिन 50 mg होता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में AZR टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में AZR टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे शरीर में बहुत ज्यादा थकान व कमजोरी होना, चक्कर आना, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दस्त होना, पेट में दर्द होना, त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर रैशेस होना, आँखों, होंठों और चेहरे पर सूजन होना, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द होना और सांस लेने में दिक्कत होना आदि साइड इफेक्ट्स AZR टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। AZR टैबलेट शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाती है, जिसकी वजह से वायरल, फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का जोखिम अधिक हो जाता है। अगर आपको AZR टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि AZR टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। AZR टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि लक्षण हो सकते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को AZR टैबलेट को लेने के बाद उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि लक्षण होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को AZR टैबलेट को खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। ऑर्गन रिजेक्शन को रोकने के लिए डॉक्टर AZR टैबलेट की डोज को शरीर के वजन के हिसाब से 1 mg से लेकर 4 mg पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से लेने की सलाह देते हैं। AZR टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको AZR टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि AZR टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। AZR टैबलेट को दूध या किसी अन्य डेयरी प्रोडक्ट के साथ लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। AZR टैबलेट को दूध या किसी अन्य डेयरी प्रोडक्ट को लेने से 1 घंटे पहले AZR टैबलेट को लेना चाहिए, और यदि आपने दूध या किसी अन्य डेयरी प्रोडक्ट जैसे दही, लस्सी आदि का सेवन कर लिया है तो AZR टैबलेट को दूध या कोई अन्य डेयरी प्रोडक्ट को लेने के 2 घंटे बाद ही AZR टैबलेट को लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को AZR टैबलेट को लेने के बाद चक्कर आते हैं या नींद अधिक आती है तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। अगर किसी व्यक्ति को AZR टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे एजाथायोप्रिन आदि से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को AZR टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए AZR
आर टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एजेड आर टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका एजेड आर टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।